और वहीं कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर जो WHO ने मौत का आंकड़ा जारी किया है, इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा है कि मातम मनाने के लिए कमलनाथ WHO की रिपोर्ट मांग रहे हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इलाज के पुख्ता प्रबंध किए गए थे, इलाज के अभाव में मृत्यु वाली रिपोर्ट को मैं गलत मानता हूं। कांग्रेस मातमी राजनीति पर आ गई है, अब स्यापा राजनीति हो रही है। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, आयोग के सदस्यों ने जनता के समक्ष कल रिपोर्ट रख दी है, हम पूरी ताकत से पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं। यदि कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो आज ओबीसी को आरक्षण संबंधी दिक्कतें नहीं आती। तो कमलनाथ पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने निशाना साधा। सदैव से जाती ही रहती है, खुद मुख्यमंत्री जानते हैं, खुद प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में उनके बीच में आते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जबलपुर से शुरुआत की उनके बीच में आए। ये तो वो लोग सोचे जो सिर्फ मातम मनाने की परंपरा जो शुरू कर दी है ना, हर जगह कांग्रेस जा रही है, वो कमलनाथ जी WHO की रिपोर्ट मान रहे मातम मनाने के नाम। हमारी रिपोर्ट अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, कल आयोग के सदस्यों के द्वारा जनता के बीच में रखी गई है। हमने जो किया है वो जनता के सामने हमने रख दिया है, पूरी ताकत से रखा है और हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के लोगों ने गलती नहीं की होती तो आज ये दिक्कत आती ही नहीं।